दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है। परवीन बाबी की गिनती बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में होती है। कामयाबी और शोहरत के बावजूद परवीन की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक रही। महेश भट्ट के साथ रिश्ते खराब होने के बाद परवीन गुमनामी के अंधेरे में ऐसी खोई कि फिर कभी नजर नहीं आई। परवीन बाबी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में आई फिल्म चरित्र से की। फिल्म फ्लॉप रही लेकिन परवीन की खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए। चरित्र को मैं एक मास्क नहीं, जिंदगी समझती हूँ, जिंदगी का सही रूप समझती। 1974 में आई फिल्म मजबूर से परवीन की कामयाबी की शुरुआत हुई। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे अमिताभ बच्चन। परवीन की शोहरत को चार चांद 1976 में लगे जब टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली। इस मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वो बॉलीवुड की पहली स्टार रही। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और भगवान झूठ ना बुलवाए, लाखों में एक हूँ। ये परवीन का जादू ही था कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। सिल्वर स्क्रीन पर परवीन बाबी की जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी असल में वो उतनी ही तन्हा थी। डैनी, कबीर बेदी के बाद परवीन की लाइफ में महेश भट्ट आए लेकिन उनकी जिंदगी की तन्हाई कभी दूर नहीं हुई। 1977 में जब महेश भट्ट से परवीन का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे। महेश के लिए परवीन घर पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। महेश भट्ट के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। वो अंदर तक हिल गए। धीरे धीरे परवीन की स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को स्किज़ोफ्रेनिया है। उस समय परवीन कई फिल्में कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। डॉक्टर्स परवीन को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे लेकिन महेश भट्ट परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के सख्त खिलाफ थे। परवीन के मन में ये डर बैठ गया कि कोई उन्हें मारना चाहता है। एक समय ऐसा भी आया जब परवीन को लगने लगा कि अमिताभ ने उन्हें मारने के लिए गुंडे लगवा रखे हैं। किसी ने उनकी कार में बम लगा दिया है। डॉक्टर्स के बार बार कहने पर भी महेश भट्ट परवीन बाबी को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए राजी नहीं हुए। ये चर्चा तेज हो गई कि महेश ने अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वे उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते। एक समय आया जब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को छोड़ दिया और सोनी राजदान के साथ 20 अप्रैल 1986 को शादी कर ली। परवीन बाबी की जिंदगी में अकेलापन बढ़ता गया। वो मुंबई के अपने घर में कई वर्षों तक अकेली रही। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बाबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी। 20 जनवरी 2005 को परवीन अपने फ्लैट में मृत मिली। मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं। परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास एक व्हील चेयर थी। कपड़े, दवाइयाँ, पेंटिंग, हर सामान तितर बितर पड़ा था। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने बस शराब पी और दवाइयाँ खाई थी।